राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसमें सुजानगढ़, राजसमंद और सहाड़ा सीटों पर 17 अप्रैल को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने इन उपचुनाव के लिए तैयारी पूरी कर ली है। आयोग ने कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए भी उपचुनाव के लिए पहले से अधिक पोलिंग बूथ बनाए हैं। दूसरी ओर राज्य के दोनों प्रमुख पार्टियों ने भी उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है, लेकिन कहां कौन प्रत्याशी होगा इसके पत्ते अभी नहीं खुले हैं। कांग्रेस के सामने इन सीटों पर जीतने के साथ साथ राजसमंद को फतह करने का भी दबाव रहेगा। वहीं सतीश पूनिया के लिए भी परीक्षा कड़ी होगी। राजस्थान में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सुजानगढ़, राजसमंद और सहाड़ा सीटों पर विधायकों के निधन के कारण उपचुनाव होना है। इसको लेकर राज्य की दोनों प्रमुख पार्टियों ने भी कमर कस ली है। दूसरी ओर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने की व्यवस्था की है। कोरोना महामारी के मद्देनजर उपचुनाव में जहां नामांकन के दौरान केवल 4 व्यक्ति और 2 वाहनों को ही परिसर में आने की अनुमति होगी, चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ से दूर केवल 5 व्यक्ति ही घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। कोरोना के बाद राज्य में पहली बार विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन की कड़ाई से पालना करनी होगी। ऐसे में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण के साथ सुरक्षित चुनाव करवाना चुनाव विभाग की प्राथमिकता है। उसके बाद आयोग ने कुछ संशोधन किए हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी तथा 80 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट की का विकल्प दिया गया है। अगर जो मतदाता जाने में असमर्थ है तो ऐसे मतदाता घर बैठकर पोस्टल बैलेट से अपना मत दे सकेंगे, लेकिन ये उनके अनुमति के बाद ही हो सकेगा। दूसरा, जो कोविड की गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी कोविड की बृहद गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज से लेकर रैली से लेकर और चुनाव के दिन किस तरह से मतदाता वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विधानसभा क्षेत्रों में 1000 से ज्यादा संख्या वाले मतदान केंद्रों की संख्या में करीब 45% का इजाफा किया है। जहां सभी विधानसभाओं में कुल 1074 मतदान केंद्र थे, उन्हें अब बढ़ाकर 1529 कर दिया गया है। महिला पुरुषों के अलावा सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए अलग से लाइन लगाने की व्यवस्था की गई है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं, कोरोना मरीजों और 40% से अधिक दिव्यांगों के लिए आयोग ने पहली बार डाक मत की सुविधा दी है। विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। इसमें 5,08,741 पुरुष और 4,87,777 महिला मतदाता हैं। सहारा विधानसभा उपचुनाव में 2,47,400 मतदाताओं में से 1,24,100 पुरुष वोटर्स हैं, जबकि महिला वोटर्स 1,23,300 हैं। इस कड़ी में सुजानगढ़ उपचुनाव के लिए 2,74,792 वोटर्स हैं। इसमें 1,43,374 पुरुष और 1,31,418 महिला मतदाता हैं। और राजसमंद विधानसभा के उपचुनाव के लिए भी आयोग मुस्तैद है। यहां भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी है। इसी क्रम में राजसमंद उपचुनाव में कुल 2,21,610 वोटर्स हैं। यहां पर 1,12,718 पुरुष और 1,08,892 महिला वोटर्स अपने वोट का उपयोग करेंगे। किसी भी राज्य में होने वाले विधानसभा उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी माने जाते हैं, क्योंकि इन चुनावों के नतीजे आने वाले विधानसभा चुनावों का भविष्य भी तय करेंगे। सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस का प्रयास रहेगा कि वो इन चारों सीटों पर अपने प्रत्याशी जिताने के लिए दम दिखाए। वहीं बीजेपी का प्रयास रहेगा कि वो राजसमंद सीट के साथ साथ इन सीटों पर कांग्रेस को पटखनी दे, लेकिन ये सब तय होगा टिकट वितरण के बाद। फिलहाल तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। A1 TV के लिए जयपुर से मनीष चतुर्वेदी की रिपोर्ट।